तो सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे. वील मेक अ मैजिक सर्कल फर्स्ट. सो वील रैप द टेल यार्न ऑन आर रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर. होल्ड इट विथ योर थंब. होल्ड द अदर एंड बिटवीन योर इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर. टेक द नीडल, पुट इट अंडर द लूप, पुल अप अ लूप एंड चेन वन. सो योर मैजिक सर्कल इज रेडी. नाउ वील मेक 7 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल. तो इस मैजिक सर्कल के अंदर हमें 7 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस करनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. और ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था उससे हम इसे कनेक्ट कर देंगे स्लिप स्टिच से. तो हम इसे पहले टाइट कर देंगे. नाउ वी स्लिप स्टिच ऑन टू द फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच दैट वी नीड. नाउ वी टाइटन द मैजिक सर्कल. Now we'll chain one and we'll make two single crochet stitches in each of these following stitches. तो हमें हर एक स्टिच में दो दो सिंगल क्रोशिया स्टिच करने हैं. तो वन, और ये जो फर्स्ट वाला है इसमें हम एक स्टिच मार्कर लगा देंगे. अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप किसी भी दूसरे कलर की थोड़ी सी ऊन भी लगा सकते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा फर्स्ट स्टिच है. So I've put a stitch marker on the first stitch. Now we'll keep doing two single crochet stitches in each of these following stitches. This is the third, then the fourth. हर एक उसमें हमें दो दो single crochet stitch करते जाना है. We have to do two single crochet stitches in each of these following stitches. Here, the last stitch, we have to do two here, and now we have to slip stitch onto the first single crochet stitch that we made. जो हमने पहला single crochet stitch बनाया था उससे हम slip stitch कर देंगे. So we'll slip stitch here. Now we'll chain one, and we have to make 3 rows of single crochet stitches. हमें 3 rows बनानी है जिसमें हमें हर एक stitch में एक एक single crochet stitch करना है. We have to just keep doing 1 single crochet stitch in each of these following stitches. So I'll go into the first stitch and then in the first I'll put a stitch marker. ये जो first stitch हमने किए यहाँ पे हम stitch marker लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी first stitch है row की. And इसी तरीके से हमें एक एक single crochet stitch हर एक stitch में करते जाना है. I've added a stitch marker on my first stitch and now I'm just doing 1 single crochet stitch in each of these following stitches. And I have to do this for 3 rounds. 3 rows ke liye humne 3 rounds ke liye ye karna hai humne. Ek ek single crochet stitch har ek stitch mein humne karna hai. To usse ye round shape aane lag jayega ekdam. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड वन मोर 14. बेटर टू काउंट द स्टिचेस. ओके नाउ वील रिमूव द स्टिच मार्कर. स्टिच मार्कर निकालेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच हमने यहाँ पे किया था उसके साथ हम स्लिप स्टिच करेंगे. वील स्लिप स्टिच हियर. सी यू कैन सी इट्स ऑलरेडी टेकिंग द शेप. नाउ चेन वन. फिर से ये सेकेंड रो होगा हमारा एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच का. विल गो इन एंड नाउ अगेन ये जो फर्स्ट स्टिच है मैं इस पर स्टिच मार्कर लगा दूंगी. इट्स बेटर इफ यू यूज अ स्टिच मार्कर. तो फर्स्ट स्टिच थी, सेकेंड, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, 7, 8,
12, 13 and 14. Again we'll remove the stitch marker nikalenge and we'll slip stitch onto the first single crochet that you made, and one more round of single crochet stitches we have to make. So we'll chain one, put a stitch marker here, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, and 14. Then we'll slip stitch onto the first single crochet stitch that we made, where we put the stitch marker. जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर डाला था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे. स्लिप स्टिच हियर. नाउ वी हैव टू डू द डिक्रीज. आई एम पुटिंग दिस यार्न टेल इन. मैं यार्न टेल अंदर ही डाल रही हूँ. नाउ चेन वन एंड दिस इज द डिक्रीज रो. अब हमें डिक्रीज करना है तो हम दो सिंगल क्रोशिया स्टिचेस साथ में करेंगे. वी हैव टू वर्क टू सिंगल क्रोशिया स्टिचेस टुगेदर all around here. So we'll go in the first stitch, we'll pull up a loop, we'll go in the second stitch, we'll pull up a loop and we'll yarn over and pull through all the three. तो इस तरीके से हमने दो single crochet stitches साथ में कर लिए. फिर से हम ऐसे करेंगे. We'll go in, we'll pull up a loop, we'll go in the next stitch, we'll pull up a loop and we'll yarn over and pull through all the three. Similarly here again we'll do a decrease, then in the next two again we'll do a decrease. We have to do this row of decreases. This is the fourth decrease, then the fifth decrease, then the sixth decrease and the seventh decrease, which will be the last one because we have 14 stitches. So this completes the round. ये round हमारा complete हो चुका है. अब हम इसमें जो भी हमने fill करना है, चाहे वो yarn हो या फिर polyfill हो, हम इसे fill करेंगे. We'll fill it with the polyfill now. So I'm going to fill it with the polyfill. You can even use old clothes cut in small pieces, or if you have leftover yarn strands you can also use those. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. आपके पास बची हुई ऊन होगी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पुराने कपड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कॉटन डाल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन. तो मैंने इसे फिल कर लिया है. आई फिल्ड इट एंड नाउ आई चेन वन एंड फासन ऑफ लीविंग अ लॉन्ग टेल. मैं चेन वन करके इसे फासन ऑफ कर दूंगी. लॉन्ग टेल मैंने छोड़ दी है ताकि मैं इसको क्लोज कर पाऊँ टेपेस्ट्री नीडल की मदद से. आई एल बी यूजिंग द टेपेस्ट्री नीडल एंड आई एल गो इन ईच ऑफ दीज स्टिचेस. ये हर एक स्टिच में just go in like this so that when I pull all of these will come together. तो इस तरीके से हम हर एक स्टिच में जाएंगे. And once you have gone through all the stitches, अब आप सारे stitches के through चले जाओगे तो इसे अंदर थोड़ा सा push करके इसको हम pull करेंगे. और ये देखिए ये easily close हो जाएगा.
थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉलीफिल है ये मैं निकाल रही हूँ। और इधर एक दो नॉट्स बनाएंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। We'll just make a couple of knots so that it's secure enough and doesn't open. After making couple of knots, just go in and then you can cut the excess yarn. The excess yarn ko cut kar lenge. देखिए एक हमारी रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम दो बना लेंगे। हमारी चेरीज रेडी हो गई है। अब इनकी लीव्स बनाएंगे। सो फॉर द लीव लेट्स मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे लीव के लिए। एंड नाउ वील चेन 12। अब हमें 12 चेन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now go into the second chain from the hook and make a single crochet stitch. ये जो second chain है hook से इसमें हम एक single crochet stitch करेंगे. Then in the next chain we'll make a half double crochet stitch. Next वाली chain में हम एक half double crochet stitch करेंगे. In the next we'll make a double crochet stitch. नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशे स्टिच किया, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे। वील मेक अ हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट एंड वील मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वन वील डू अ स्लिप स्टिच। तो नेक्स्ट वाली है इसमें हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो हमारी एक लीफ रेडी हो गई। नाउ वील चेन 7। अब हम 7 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे। स्किप द फर्स्ट चेन, गो इन टू द नेक्स्ट वन एंड मेक अ सिंगल क्रोशिया स्टिच। एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली में एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। विल मेक अ हाफ डबल क्रोशिया स्टिच इन द नेक्स्ट। देन इन द नेक्स्ट विल मेक अ डबल क्रोशिया स्टिच। नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे। वी मेक अ हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट। देन वी हैव टू मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट। नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे एंड इन द नेक्स्ट विच इज द लास्ट वन वील मेक अ स्लिप स्टिच। इधर लास्ट वाली इसमें हम एक स्लिप स्टिच करेंगे एंड वन स्लिप स्टिच इन द फर्स्ट लीफ दैट वी मेड। तो ये जो फर्स्ट लीफ हमने बनाई थी इसमें भी हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। नाउ चेन 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड वील फासन ऑफ। तो एक चेन और एक्स्ट्रा बना के हम इसे फासन ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी लीव्स बन के तैयार। अब इन इस लीव्स को हम चेरी के ऊपर हम सू कर देंगे, लगा देंगे। सो विद द हेल्प ऑफ अ टेपेस्ट्री नीडल आई सो इन फ्रॉम द टॉप। मैं टेपेस्ट्री नीडल की मदद से इसको यहाँ पे जॉइन कर दूंगी। We can also make a couple of knots so that it's secured enough. एक दो knots बनाएंगे ताकि ये खुले नहीं। That's it. Now we can go in and I'll cut the extra yarn. ये जो extra yarn है इसको मैं cut कर दूंगी नीचे से और इसी तरीके से ये दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पे join कर दूंगी। ये जो यान है बहुत छोटी है। मेरी गलती हो गई थी कि स्लिप नॉट के टाइम पे मुझे थोड़ी सी यान छोड़ देनी चाहिए थी। सो आई शुड हैव लेफ्ट अ लॉन्गर टेल व्हाइल मेकिंग अ स्लिप नॉट।
but we'll try joining it. So we'll just go in here. Just put the needle in where I want my yarn to go. And that's it. I'll cut the extra yarn from here. And our cherry is ready with the leaves. So you can add a key ring to it, or you can just attach it to your bag or any hair clip. It looks really pretty. So I hope you like the tutorial. Do subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon, as you'll be notified whenever I upload my new video. Keep crocheting, stay happy, stay safe. Bye bye.